खरगोन स्वामी विवेकानंद सभागृह में आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक शनिवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में आयोजित की गई। बैठक में त्योहारों पर प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ कोरोना वायरस से बचते हुए त्योहार मनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर गोपाल चंद्र दाड ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव से बचने के लिए देश भर के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार हम ऐसे मुकाम पर हैं कि यदि बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं या रंग लगाते हैं तो कोरोना के संक्रमित होने के अवसर बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में बचने के लिए हम सब एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी को अगर शांति समिति सर्वसम्मति से पारित करती है तो जिले में रंग पंचमी के दौरान आयोजित होने वाली गैर और आयोजित करने से रोका जा सकता है। शांति समिति ने इस मसले को बड़े ध्यान से समझते हुए गैर नहीं निकालने की सहमति जताई। शांति समिति की बैठक में पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे ने कहा कि इन दिनों कोरोना वायरस बड़ी तेजी से देश के अन्य शहरों में फैल रहा है। चूँकि हमारा खरगोन काफ़ी तापमान वाला है, इसलिए दिन में अत्यधिक तापमान होने से कोरोना से हम बच सकते हैं, लेकिन रात्रि में तापमान गिर जाने से कोरोना वायरस की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में रात्रि 11 के बाद घूमना फिरना ना करें। बैठक के दौरान दवाइयाँ वितरित भी की गई। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। धुलंडी का तो यहाँ ज्यादा प्रचलन नहीं है, जिले में रंग पंचमी का प्रचलन है, तो धुलंडी पे तो कुछ कहना नहीं है। होली पे होली पे तो होली पे तो आप हम सब अपील करें कि कंडे से होली बना होली दहन करें, ये हम लोग सभी अपील करें और सभी कोशिश करें कि कंडे से होली हो। तरीका बढ़िया है कि हम जो एडवाइजरी जारी हो रही है डिपार्टमेंट की, उस एडवाइजरी को सेंट्रल गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट सभी अपनी अपनी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कट एडवाइजरी जारी की है। इन व्यू ऑफ अबाउट इट इज एडवाइज दैट मास गैदरिंग्स मे बी अवॉइडेड और पॉसिबली बी पोस्टपोन्ड टिल द डिजीज स्प्रेड इज कंटिन्यू। मास गैदरिंग को कम से कम करना है, न करे तो अच्छा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं कि किसी की सिफारिश से कोई छूट गया। मैं भी आपके कहने पे हम किसी को कंसीडर कर लिए हूँ, लेकिन किसी पॉलिटिशियन के दबाव में गलत आदमी कभी नहीं छूटे। ऐसी गलत कहना किसी के दिमाग में नहीं होती। दूसरे मैं मात्र इसलिए बोलना चाहता हूँ, आप लोग आंखें खोलो, सब शहर के प्रतिष्ठित लोग हो। एक आदमी यहाँ बोल रहा है हमारे समाज में बहुत डर व्याप्त है, दूसरा आदमी यहाँ बोल रहा है हमारे समाज में बहुत डर व्याप्त है। किससे डर व्याप्त है? एक बोल रहा है दूसरे समाज से डर व्याप्त है, दूसरा बोल रहा है इससे डर व्याप्त है। दोनों आमने सामने बैठे हो, बोलो ना कौन डर पैदा कर रहा है। और अगर अगर ऐसा डर हो रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।